द इंडियन वीमेन के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय महिलाओं का स्वागत है जो कुछ नया समझना चाहती हैं, कुछ सोचना चाहती हैं और घर वालों को भी खुश रखना चाहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटे से एक वेडिंग डांस की। भाविका जाधव का एक चैनल है यूट्यूब पे, वो अच्छे अच्छे डांस आइटम देती रहती हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। महिलाओं के जीवन में किटी पार्टीज का काफ़ी महत्व है और YouTube पे किटी पार्टीज के गेम्स के बारे में काफ़ी चैनल होते हैं। तो उसी चैनल में से 2020 की डेट का एक आपको गेम का वीडियो दिखाते हैं। देखिए अगर आपने ये गेम ना खेले हो तो खिलाइए अपनी पार्टीज में। चलिए लेट्स हैव ए लुक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ग्रुप गेम लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरे पास मेंबर्स की डिमांड थी कि आप ग्रुप गेम लेकर आइए, तो मैं उन्हीं की डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रुप गेम लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस गेम को
प्रिपेयर करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ स्लिप बनानी है और आपको बहुत ही मज़ेदार गेम इंजॉय करने को मिलेगा सिर्फ स्लिप बना के। तो मैं आपको, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और आप किसी भी थीम से रिलेटेड कोई गेम चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्लिप किस चीज़ की बना रखी है और ये गेम हमें कैसे खेलना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये तीन कलर्स की स्लिप बना रखी है, आप देख सकते हैं, पिंक, ग्रीन और रेड। आप कोई भी तीन कलर्स की स्लिप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने तीन कलर की स्लिप बना रखी है, रेड, पिंक और ग्रीन। आपकी किटी में जितने मेंबर्स हों, जैसे आपकी किटी में 20 मेंबर हैं या फिर आपकी किटी में 15 मेंबर हैं, तो आप हर एक कलर की तीन तीन या चार चार स्लिप बना लीजिए। आप जैसे आपकी किटी में 12 मेंबर हैं तो आप चार तीनों कलर की चार चार स्लिप बना लीजिए। अगर 15 हैं तो आप पांच पांच स्लिप बना लीजिए। इस तरीके से आपको तीन कलर्स की इक्वल स्लिप बनानी है। और अगर फ्रेंड्स आपके 20-21 मेंबर्स होते हैं तो आप तीन कलर को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पांच पांच ही तीनों की बनानी है, आप किसी की चार भी बना सकते हैं और किसी की पांच भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको मेंबर्स को एक एक खाली ऐसे स्लिप देनी है, आप देख सकते हैं ये खाली स्लिप है, ये आप हर मेंबर को एक एक ये दे दीजिए इस तरीके से। फिर आपको मेंबर से कहना है फ्रेंड्स कि वो अपने पसंद का इस पर कलर लिख लेंगे। जैसे कि मेंबर ने ये कलर लिखा, जैसे कि एक ने रेड लिख लिया, एक ने पिंक लिख लिया और एक ने ग्रीन लिख लिया। सब मेंबर्स अपने अपने पसंद के कलर्स लिख लेंगे। वो कलर्स उन्हें इसी में से लिखने हैं जो पिंक, रेड, ग्रीन है, यही तीन कलर्स उन्हें अपने, कोई भी मेंबर इन तीनों में से भी, इन तीनों में से ही कलर लिखना है मेंबर को, हर मेंबर को। पिंक लिख सकता है, रेड या ग्रीन, जो कलर्स आपने बताए हैं तीन कलर्स। अब जैसे तीनों मेंबर्स ने एक तीन मेंबर का गेम बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको, तो उन्होंने गेम लिख लिए, कलर्स लिख लिए। उसके बाद आपको मेंबर से कहना है कि वो एक एक स्लिप उठाएंगे। जैसे कि इस मेंबर ने ये उठाई, इस मेंबर ने ये उठाई, इस मेंबर ने ये उठाई। अब फिर क्या करना है, जैसे कि ये जो कलर इसने पिंक लिखा था, तो आप देख सकते हैं इसके पास आया रेड, इसके पास आया फ्रेंड्स रेड, और इसके पास आया फ्रेंड्स पिंक। तो ये तीनों मेंबर्स गेम से आउट हो जाएंगे। अगर जैसे कि इस मेंबर के पास ये स्लिप आ गई होती है पिंक वाली, पिंक के पास पिंक आती, तो ये गेम में रहेगा, और जिसके पास सेम कलर की स्लिप नहीं आई वो गेम से आउट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जैसे जो मेंबर्स आउट हो गए, दोबारा से फिर आपको स्लिप फोल्ड करके उसमें वापस से डाल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट बार फिर मेंबर्स को क्या करना है, वो अपना ये कलर चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार जो कलर लिख लिया वो ही लास्ट तक चलेगा, फिर उनका मन है वो दोबारा से कोई भी कलर लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने दोबारा से कोई भी कलर लिखा, उसके बाद फिर वो दोबारा से स्लिप उठाएंगे। एक एक मेंबर ने जैसे स्लिप उठाई फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो अब आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड में इसके पास आई है ग्रीन, इसके पास आई है पिंक, इसके पास आई है रेड। फ्रेंड्स सेम सेम स्लिप आ गई, तो तीनों मेंबर्स गेम में रहेंगे दोबारा से। फिर आप ये स्लिप फोल्ड करके डाल दीजिए इसमें, फिर आपको मेंबर से कहना है कि उन्हें दोबारा से अपने चॉइस का कलर लिख सकते हैं, फिर वो स्लिप उठाएंगे। इसी तरीके से जो मेंबर का कलर मैच नहीं करेगा वो आउट होता जाएगा, और जिस मेंबर का कलर मैच कर जाएगा वो गेम में रहेगा, फिर लास्ट में जो मेंबर बचेगा वो गेम का विनर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से आपके इस गेम में कई राउंड्स होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आप इसे अपनी किटी में ज़रूर ट्राई करें, सभी मेंबर्स इस गेम को लाइक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। यूट्यूब पर जोश मनी करके एक चैनल है, ये आपको घर बैठे पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के अच्छे अच्छे आइडिया देती रहती है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो दिखाया गया है क्या बनाइए यदि कुछ आपकी इनकम ऐड कर दी जाए वो घर बैठे। चलिए लेट्स हैव ए लुक। सिर्फ एक घंटे में 5 से लेकर 7 हजार तक कैसे अर्न करें जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आस्था सेठी एंड यू आर वाचिंग जोश मनी। क्या आपके पास लैपटॉप या फिर फोन है? क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है? क्या आप अपनी जॉब, स्टडीज, फ्रीलांस वर्क के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं?
Well, I guess कि इन सभी सवालों का जवाब हाँ ही होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे साइड हासिल के बारे में जिसमें सिर्फ फोन या लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और थोड़े से टाइम की जरूरत है। और इस आइडिया से आप अर्न कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 500 टू 10,000 रुपीस। अब आप ये बोलेंगे कि वीडियो की स्टार्टिंग में तो मैंने कहा था 5,000 से लेकर 7,000 और अब 500 टू 10,000 में कह रही हूँ। तो यस, बिकॉज आपके काम की क्वालिटी भी इसमें मैटर करेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको क्लियर कर दें, दैट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। वेल मूविंग ऑन, हम आपको एक हैक इस वीडियो में बता देंगे जिसकी हेल्प से आप क्वालिटी वर्क लोगों के सामने ला पाएंगे एंड अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। आपको गूगल पे टाइप करना है etsy.com। आगे का प्रोसेस आपको बताने से पहले आप एक बार इस वेबसाइट को स्क्रॉल करके देखिए और हम कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें कि आप क्लियरली इसको देख सकें। इमेजेस पर प्राइस मेंशन है और सबसे लोवेस्ट प्राइस है 742 रुपीस। उसके बाद 4,000, 3,000, 13,000 तक के प्राइसेस यहाँ पर मेंशन है। और ये तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तब आप देख सकेंगे कि कुछ इमेजेस 50,000 रुपीस तक भी लिस्टेड हैं। तो वेल आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वेबसाइट पे इमेजेस सेल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही नहीं है तो फिर उनके लिए तो ये एकदम यूजलेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उस हैक की। आपको गूगल पर टाइप करना है pixabay.com। हम आपको बता दें कि Pixabay इज अ रॉयल्टी फ्री वेबसाइट जहां से आप इमेजेस को डाउनलोड करके उनको कमर्शियली यूज कर सकते हैं, मतलब कि उन इमेजेस का यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। वेल नाउ एग्जांपल के लिए हम Pixabay पर फ्लावर्स सर्च करते हैं और आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी इमेजेस ओपन हो जाएंगी फ्लावर्स की। कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल पर टाइप करना है rapper.app और रैपर एक पैटर्न मेकर वेबसाइट है। और अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो द गुड न्यूज इज कि रैपर फ्री ट्रायल भी देता है इनिशियली। इस वेबसाइट में आप लॉगिन करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा एड इमेज, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो इमेज आपने अभी Pixabay से डाउनलोड करी थी उसको इस वेबसाइट में इम्पोर्ट करके आप डिफरेंट पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस इमेज को एज PNG एक्सपोर्ट करके अब ये फाइनल इमेज आप etsy.com वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे विद योर प्राइस, जिस भी प्राइस पर आप इस इमेज को सेल करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे हैं Pixabay से एंड अपलोड कर रहे हैं etsy.com पर वो यूनिक हो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स के लिए फ्लावर्स को यूज किया था। लेकिन फ्लावर्स की लाखों इमेजेस Etsy पर मिल जाएंगी। एंड अनदर थिंग इज कि आपके इमेज का प्राइस, अब क्योंकि Etsy पर बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी हैं तो आपको कंपटीशन भी ध्यान में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्राइस सेट करना होगा। वेल दीज आर द ओनली थिंग्स जो कि आपको कंसिडर करनी है एंड यू कैन अर्न हैंडफुल अमाउंट ऑफ मनी इजिली। वेल आई होप कि आपको ये साइड इनकम का आइडिया पसंद आया होगा। अगर आप Etsy पे सेल करेंगे तो वो कौन सी इमेज होगी ये हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू। यूट्यूब पर निजो जॉनसन के बहुत सारे एपिसोड्स उपलब्ध हैं जो आप लोगों को काफ़ी अच्छी सीख देते हैं। कभी उनमें नज़र डालिए आप। तो अभी जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ए लेडी गाइड्स हर हस्बैंड इन ए बेटर वे, चलिए देखते हैं। ये लो तुम्हारा लंच। अच्छा सुनो, तुमने ऑनर को रेंट दे दिया? अभी नहीं दिया। क्यों? कल तो तुम पैसे लेके गए थे ना देने के लिए। वो एक्चुअली ऑफिस जाते टाइम मेरी बाइक खराब हो गई थी तो सारा खर्चा रिपेयरिंग में आ गया था। यार तुम ना अपनी उस बाइक को ना बेच दो, उसके खर्चे अलग है, काम का नहीं है वो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं ऑफिस पैदल जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है ना कल ऑनर कितना सुना के गया हमें, और तुम तो ऑफिस निकल जाते हो उसके बाद सुनना मुझे पड़ता है। अरे ठीक है, गुस्सा मत हो, दे दूंगा पैसे मैं। क्यों ना करो गुस्सा, तुम ना केयरलेस हो गया। यार मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम मेरी क्यों सुनो। यार मुझसे ना बहस नहीं हो पाएगी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ हाँ जाओ, सुननी नहीं होती। अरे भाई कब तक ये खटारा बाइक लेके घूमेगा? तू ये किसकी गाड़ी उठा लाया? मेरी है भाई। तेरी है? तेरे पास इतने पैसे कब से आ गए भाई जो तू ये इतनी महंगी गाड़ी लेके घूम रहे? बहुत बड़ा काम है भाई, रोज लाखों मिलते हैं, तू भी कर ले, मजा आएगा। काम काम क्या है? अरे नहीं यार, ये सब काम तू ही कर भाई, अपने बस की नहीं है। ठीक है भाई, देख ले जैसे तेरी मर्जी, कभी मूड बदले तो बताना।
बाइक को ना भेज, बाइक को ना खर्चे अलग है, काम खर्चे अलग है, काम। तुम्हें पता है ना कलोना, तुम्हें पता है ना कलोना कितना सुना, तुम ना केयरलेस हो, तुम ना केयरलेस हो। रोज लाखों मिलते हैं, रोज लाखों मिलते हैं। अभी मूड बदले तो बताना, मूड बदले तो बताना। भाई मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, तू बता दे एक बारी कैसे करना है। इसमें बहुत रिस्क है, तू कर लेगा ना? हाँ कर लूंगा। समझ गया ना? हाँ बट संभल के, पुलिस ने पकड़ लिया तो सालों की जेल हो सकती है। कोई बात नहीं। हाँ चल फिर ठीक है, ये ले एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है चल। आज आप इतनी जल्दी आ गए? वो सब छोड़ो, तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। ये सारे पैसे? मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो एक दिन में इतने पैसे देता है? पर जितना मुझे पता है कोई भी अच्छा काम इतने पैसे तो नहीं दे सकता एक दिन में। अरे कुछ नहीं करना, क्लब में जाके बस माल सप्लाई करना है। माल? बक्स। मैंने आज तुमसे लड़ाई क्या कर ली? तुमने अपना रास्ता ही बदल लिया। अरे ये सब दिन देखने के लिए मैंने तुमसे शादी करी थी कि एक दिन तुम जेल जाओ। जेल? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ तो ये काम करने के बाद इंसान जेल ही जाता है। तुम फिर शुरू हो गई ना? देखो कम से कम मेरे बारे में नहीं तो अपनी बच्ची के बारे में तो सोचा होता ना। उसको पता चलेगा कि उसको बाप ये सब काम करता तो तुमसे नजरें कैसे मिलाएगी। और वो छोड़ दो, तुम अपनी बेटी से नजरें कैसे मिला पाओगे? और अगर गलती से पुलिस वालों को पता चल गया तो तुम जेल चले जाओ, और उसके बाद हमारी लाइफ का क्या? देखो यार जिसके पैसे तुम उन्हें वापस करके आ जाओ, ठीक है? हमारे पास जो है जितना है हम उतने में खुश हैं, नहीं चाहिए हमें ये पैसे। तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बस भटक गया था। देखो ऐसे में इंसान को वही काम करना चाहिए जिसको करने के बाद उसे रात में एक अच्छे सुकून वाली नींद मिल सके, फालतू के काम नहीं। अब जाओ ये पैसे वापस करके आओ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.